हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये देखिए किस तरह से जो अलमारी थी हमारी, जो हलवाई से मांगे थे, आज देखिए इसको हम किस तरह से सजा रहे हैं। ये साड़ी का डब्बा है दोस्तों, किनारे किनारे जो हमारे यहाँ बर्तन मांजने आती हैं, हम और वो दोनों लोग मिल के टेप लगा दिए हैं, उधर भी और नीचे पेपर लगाए हैं, एक टेप यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर भी हम चिपकाएंगे। और बिना रंगे देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है, और अंदर भी हम सजाएंगे जैसे जैसे आप लोगों को दिखाएंगे। इतना प्लांट देखिए मेरा ऊपर है, इसको हम मिट्टी नहीं डाले हैं, इसमें सिर्फ इसी तरह से रख दिए हैं, पानी का छिड़काव कर रहे हैं, अब इसको लगा देंगे बढ़िया से मिट्टी उट्टी डाल के। और ये देखिए मेरा मनी प्लांट अंदर रखे थे, बहुत ही अच्छा इसका ग्रोथ हो रहा है। और आज हम क्या क्या काम किए हैं, छत पे टमाटर लगाए हैं 2-3 जगह दोस्तों, और नीचे देखिए ये प्लांट रिपोर्टिंग किए हैं, ये बहुत अच्छे से मेरा राख छिड़के हैं, इसमें ना कीड़ा लग रहा था, नीम का पानी छिड़के हैं और राख, अब तो हमारे यहाँ राख निकल जाता है दोस्तों, यहीं पे कौड़ा भरते हैं। और ये देखिए एक प्लांट इसी के संग था दोनों, ये वाला छोटा था, ये वाला बड़ा हो गया था, ये वाला एकदम दब गया था, इसीलिए इसको अलग रख दिए हैं। एक बार हम बनारस गए थे दोस्तों, बता रहे हैं आप लोगों को, अपने हस्बैंड के संग गए थे पार्क में। तो पहले जब हम यूट्यूब पे अपना वीडियो नहीं डाल रहे थे, तब की बात हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा फ्लावर था, माली भी था, तो वो माली अपने जैसे कि गोड़ उड़ रहा था, गमले में लगाया था, गोड़ रहा था, तो मैं किसी तरह से उससे उसका जैसे नज़र इधर उधर हुआ, तो मैं सूखा सूखा प्लांट उसमें से तोड़ ली, 2-3-4 प्लांट मैं तोड़ ली, और फिर उसको मैं घर लेके आई। और शौक़ तो था पहले से ही मुझे प्लांट लगाने का, फिर हम उसको ला के अपने गमले में पूरा छींट दिए, 4-5 प्लांट पूरा, बीज और ज़्यादा ही होगा, सब छींट दिए, और उसमें इसी तरह से सब जब उग गया तो इसी तरह से घास भी होता है दोस्तों, इसमें वाइट वाइट फूल, छोटा छोटा फूल होता है, गांवों में बहुत देखने को रोड के किनारे उनारे मिलता है। तो मैं क्या काम की, सोची कि ये तो घास उगाया मेरे में, मैं उस समय उसका फ्लावर देखी थी माली का, लेकिन वो नहीं देखी कि इसका पत्ती पेड़ कैसा है, तो मैं सब उखाड़ दी दोस्तों, सब उखाड़ दी। फिर सोची मेरा क्यों नहीं उग रहा है, क्यों नहीं उग रहा है, तो एक बार मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, वो स्कूल में पढ़ाते हैं, तो जिस स्कूल में पढ़ाते हैं हम लोग वही वोट वोट देने जाते हैं, तो वहाँ पर भी वही फ्लावर खिला था, तो फिर मैं देखी ध्यान से तो उसमें उस पत्ती इसी तरह से था, तो मैं उनसे मांगी थी, तो एक बार बहुत ज़्यादा लाए थे प्लांट, तो मेरे यहाँ फ्लावरिंग भी हुई थी बढ़िया, तब मैं वीडियो नहीं बना रही थी, तब मैं जानी कि इसका पत्ती इसी तरह से होता है। तो मैं भैया के यहाँ से बीज लाई थी दोस्तों, तो उसी का ये देखिए पौधा मेरा, अब सोच रहे हैं कि इसको कटिंग कर दे या इसमें जाने दे फ्लावर अब खिले, कटिंग करके कितना हम बनाएंगे, गेंदे का प्लांट खुद हमारे यहाँ इतना हो गया है, अब ज़्यादा हम बढ़ाएंगे नहीं, इसी में ऐसे ही खिले अच्छा है, हो सकेगा तो थोड़ा सा टिप तोड़ देंगे लगा देंगे, नहीं तो अभी 4-5 पौधा और भी है रिपोर्टिंग करने के लिए दोस्तों। ये ना इसीलिए जैसे कि करते रहना चाहिए गार्डनिंग अपना, बिना जैसे करे कुछ नहीं आता है, एक दूसरे का वीडियो देखते रहना चाहिए और अपना करते रहना चाहिए, हम ऐसे ऐसे फूल है कि जानकारी नहीं रहती दोस्तों, लेकिन करने से ही जानकारी होती है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ये देखिए मेरा अच्छा लग रहा है कि नहीं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई देने में मुझे देर हो जाती है दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, नमस्कार।